360 नीचे लास्ट में देखो ब्रैकेट में 360 लिखा हुआ, मतलब डिफॉल्ट 360 है। अगर मैंने एंटर कर दिया तो 360 पे पूरे को घुमा के बना देगा शेप, ये सॉलिड बन गया हमारा। मैंने शैडो किया, फिर से रिवॉल्व दिया, सिलेक्ट करा, एंटर करा। पॉइंट बताने के लिए मैंने 1 और 2 दो पॉइंट बताए। अब जब इसने एंगल ऑफ रेवोल्यूशन पूछा तो मैंने यहाँ से इसको एक एंगल ऑफ रेवोल्यूशन दिया 180 का। देखिए मैंने रिवॉल्व दिवाया, रिवॉल्व देने के बाद सिलेक्ट करा, एंटर, दो एक्सिस के पॉइंट लिए और एंगल ऑफ रेवोल्यूशन दिया 180 का। हाफ आ गया बन के 90 डिग्री, तो 1/4 बन करा था। इसका मतलब जो भी एंगल आप देंगे उसी एंगल के हिसाब से ये इसको घुमाएगा। ठीक, इतना तो मैं क्लियर हो गया। अब मैंने क्या किया, अंडू कर दिया वापस। ये प्रोफाइल की जो शेप थी इसको मैं कुछ अलग देने जा रहा हूँ। हाँ, मैंने यहाँ पर या तो देखो आप इसको डायरेक्ट पॉलीलाइन से बना लो, ऐसा भी कर सकते हैं हम इसको डायरेक्ट पॉलीलाइन से बना लें, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लाइन से बना लो और उसके बाद उसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ से आपकी बात, देखो मैं ऐसी शेप बना रहा हूँ, इसे हम शाफ्ट कहते हैं मैकेनिकल में अगर देखा जाए तो दिस थिंग इज कॉल्ड ए शाफ्ट, जिसमें अलग अलग स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं आपको, कुछ ऐसा ये बनाया मैंने स्टेप फॉर्म में। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो हम एक्सिस यूज करने वाले हैं उसकी लंबाई से ज्यादा हो, इसके बराबर हो, छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, बस वो एक्सिस उसके लिए काम करेगा। और मैंने फिर से जाके यहाँ से, ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे काम को जाके आइसोमेट्रिक में करें, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं आपको इधर लेके दिखाता हूँ क्योंकि समझना आसान हो जाता है। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप बनाओगे वहां और यहाँ पे जाके करोगे, ऐसा नहीं है। हमने रिवॉल्व फिर से दिया, आपने सेलेक्ट करा और एंटर करा। मैंने पहले की तरह दोनों पॉइंट यहाँ सेलेक्ट कर लिए 1 और 2। आप देख रहे हो रिजल्ट आपके सामने, जितनी दूरी पे मैंने एक्सिस पॉइंट को रखा था उतना ही बीच में गैप बन गया या होल बन गया, है ना। अगर मैंने यहाँ इसके लाइन की जगह इसके ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट कर लिए होते एंड पॉइंट 1 और 2, बीच में से होल खत्म हो गया, जीरो रह गया ना गैप, इसलिए ऐसे आ गए। मैंने फिर क्या किया, इसके ये दोनों पॉइंट ले लिए 1 और 2, पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2। आप देखो ये भी रिवॉल्व कर रहा है, देखो अगर मैंने ये दोनों पॉइंट ले लिए होते 1 2, इधर से भी रिवॉल्व कर रहा है, करेक्ट, और मैंने ये दो पॉइंट ले लिए होते 1 एंड 2, तो ये भी रिवॉल्व कर रहा होता। मतलब ये कि जो हमारा एक्सिस होता है, इसको हमने एक्सिस माना था ना, कंडीशन ये है जिसकी कि आपका एक्सिस कभी भी प्रोफाइल के बीच में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर प्रोफाइल के बीच में, जैसे अगर ये एक्सिस मैंने यहाँ रख दिया तो ये गलत है। ठीक है, एक्सिस कभी भी प्रोफाइल के बीच में नहीं हो सकता, एक्सिस इससे बाहर रहेगा जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप। और ये जो मैंने बनाया था अभी, इसमें मैंने आपको सभी आउटर एजेस, अच्छा UCS कभी बिगड़ जाए तो UCS टाइप करके दो बार एंटर कर दो। मैंने आपको जो भी सिलेक्ट करके दिखाया, देखो इसको सिलेक्ट करा था हमने, इसे करा था, इसे करा था और इसे, सारी आउटर को करा था ना, मैंने अंदर वाली किसी भी लाइन को सिलेक्ट नहीं करा, ना कोई हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल। आप देखो मैं अगर करके करने की कोशिश करें, हम इसमें हमने रिवॉल्व दिया और पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ये 1 एक्सिस का और दूसरा दिया ये 2, इसने मना कर दिया, अनेबल टू रिवॉल्व लिखाया। इसका मतलब कि एक्सिस के जो दो पॉइंट हैं, या तो वो प्रोफाइल से कुछ दूरी पे हो सकते हैं, या उसकी आउटर मोस्ट लीनियर एज, लीनियर मतलब स्ट्रेट एज, आर्क नहीं चलेगा, या तो उसकी आउटर मोस्ट लीनियर एज, तो ये आउटर मोस्ट है, ये भी आउटर है, ये भी आउटर है और ये भी आउटर है, लेकिन बाकी सारे इनर है, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है जी, ओके। तो आपने देखा कि इस तरीके से हम रिवॉल्व कमांड में कर सकते हैं काम। तो यहाँ पर हम कोई भी राउंड शेप, जैसे बॉटल होती है, फॉर दैट मैटर कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो पूरी तरह से राउंड होती है, उसको बनाने के लिए हम इस पर इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बना के बॉटल का डिजाइन। हमने यहाँ पे
मैंने यहाँ पे देखिए हाफ प्रोफाइल तैयार कर दिया। आपको इस बात का ध्यान है जैसे हम मिरर कमांड में हाफ प्रोफाइल बनाते हैं, यहाँ पे भी हम जो बनाएंगे वो हमारा हाफ ही बनेगा। तो मैंने यहाँ पे जाके हाफ प्रोफाइल तैयार कर दिया। जैसे बोतल की बात ही करूँ ना, तो मैंने बोतल का हाफ प्रोफाइल रेडी कर दिया। हाफ प्रोफाइल है बोतल का, ठीक है। और इसको मैं भी हटा देता हूँ। हमने कमांड दिया रिवॉल्व, या यहां से देखें हमने कमांड दिया रिवॉल्व का, सिलेक्ट करा फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, देख रहे हैं आप बोतल की शेप बनती दिखाई दे रही है और एंगल पूछ रहा है वो। अब इस केस में तो मुझे एंगल पूरा देना पड़ेगा 360 का, तभी पूरी बोतल रेडी होगी, ठीक है। तो कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट हो उसका हाफ प्रोफाइल बनाए और उसके बाद में उसको करते हैं। अच्छा, और एक चीज इस कंडीशन में ले लें हम दोबारा। तो जब हम कमांड रिवॉल्व का देते हैं तो आपने देखा यहाँ पर साथ में एक ऑप्शन मिलती है ऑब्जेक्ट की। जब मैंने ऑब्जेक्ट का ऑप्शन लिया तो इसने कहा सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को। अभी जो ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ लाइन ही हो सकती है और आर्क सर्कल कुछ नहीं चलेगा। मैंने सिलेक्ट करा, आपने देखा इसको सिलेक्ट करते ही डायरेक्ट इसने पॉइंट तो पूछे नहीं हमसे, मतलब कि ऑब्जेक्ट ऑप्शन में आप डायरेक्टली एक लाइन को सिलेक्ट करके एज एन एक्सिस यूज कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई टू पॉइंट्स, ठीक है। ये देखो मैंने ये वाला प्रोफाइल बनाया था, आपको ध्यान होगा ये प्रोफाइल अभी मैंने आपको करके दिखाया था। ये जो प्रोफाइल मैंने तैयार किया ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है एक्स और वाई, यहाँ पे आपको मालूम है 0 0 होता है। ये जो मेरा प्रोफाइल है मैंने इसको अगर ऐसे बनाया तो आप देखो ये एक्स एक्सिस बीच में आ रहा है ना इसके, गलत है। तो मैंने क्या किया इसको थोड़ा सा ऊपर, मतलब एक्स एक्सिस थोड़ा सा उठा दिया तो इसके और इसके बीच में गैप है, करेक्ट। इसी तरह से अगर आप वाई देखें तो ये गलत है, अभी वाई एक्सिस के बीच में आ रहा है, अभी जिस जगह पे रखा है वहां पे वाई के साथ इसका कुछ गैप मेंटेन है, तो एक्स से भी गैप।